हाँ जीतू भाई बिल्कुल यही रखो, और मैं समझ गया, भाव से समझ जाता हूँ, ये अध्यापक का काम है। और ट्रस्टी का मतलब होता है जी विश्वास पात्र, ट्रस्टी विश्वास करने वाला। और सबसे बड़े ट्रस्टी यानी इन पर विश्वास किया उन्होंने, बाबा ने, कि ये मेरे काम को और सुविधाजनक बना सकते हैं भक्तों के लिए। तो बार बार सचिन तांबे जी का यहाँ पर स्वागत है, आपने निमंत्रण दिया, और ये गुड़गावा का, गुरुग्राम का इतिहास है कि यहाँ से तो खूब बसें ट्रेनें भर करके जाती हैं, आपको गुड़गावा अलग से वहाँ दिखाई देगा, जोरदार ताली बजा करके। साथ ही मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे मध्य जी, वो बहुत बड़े मन संचालक भी हैं, हरिलाल पटेल जी, आपके भी हम दर्शन चाहेंगे, आशीर्वाद चाहेंगे। और परम मित्र हैं पारस जी के, प्रवीण जी के, बचपन से साथ खेले हैं, उन गलियों में रहे हैं, बड़े विद्वान भी हैं, गुणीवान हैं, मैं भी इनसे कुछ सीख पाऊं इस भाव के साथ। और हाँ मैं समझ गया था, इधर उधर बात हो रही थी। श्री साईं सहारा मित्र मंडल की ओर से, देखो देखो कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है मुझे, सचिन जी की पगड़ी कहाँ गई, है ना जी, ताली बनती है ना, नहीं 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 निकालेंगे, नहीं देखो निकालने की बात नहीं है, ये यहाँ तो पगड़ी, हमारे हरियाणा में पगड़ी बहुत बड़ी इज्जत होती है, मान होता है, ये मैंने इसलिए लगा रखी है ना पारस जी, और पारस जी ने भी मुझे इतना मान दिया है, पगड़ी ये मेरी उतरवाते ही नहीं कहीं। लो एक बार पगड़ी फिर यहाँ पर, आपकी ताली बने, जोरदार ताली। और श्री साईं सहारा मित्र मंडल की ओर से सचिन तांबे जी को आइए सम्मानित किया जा रहा, एक बार हाँ दर्शन करवा दे तो क्या बात है, देखो जी कितना बड़ा भाव है, हैं, जोरदार ताली बजा दे मेरे बाबा, खूब भंडारे भरे श्री साईं सहारा मित्र मंडल का, खूब ऐसे ही जय जयकार डंका बजता रहे। पटेल जी आप भी ग्रहण करें, दो शब्द जी जी जी, आप भी अपने मुखारविंद से दो पंक्तियां बैठे। थैंक यू। ना तो हम बिकते थे और ना ही हमें कोई खरीदता था, ना तो हम बिकते थे और ना ही हमें कोई खरीदता था, लेकिन आप लोगों ने खरीद कर हमें अनमोल बना दिया है। दुनिया के सबसे खूबसूरत लोगों से मेरा प्रणाम। खूबसूरत इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि खूबसूरती सिर्फ चेहरे पे नहीं होती है, खूबसूरती का अर्थ बहुत सारी चीज़ों से हम लोग लगा सकते हैं। जैसे कि आज गुड़गांव की जो खूबसूरती है, मैं मेरे नज़रों से देख रहा हूँ कि आपकी सेवा में मुझे वो खूबसूरती दिखाई दे रही है। बाबा की सेवा जो आप लोग करते हो उसमें मुझे आपकी खूबसूरती दिखाई दे रही है। लोगों से जब आप बात करते हो, लोगों से ही नहीं, हमसे जब सवेरे से आप लोगों ने जो बर्ताव हमारे साथ किया, जो सेवा हमारी की है, उसमें हमने आपकी खूबसूरती देखी है। मैं आपकी इस खूबसूरती को प्रणाम करता हूँ और बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा, एक माँ बाप अपने बच्चे के बारे में जो जो सोचता है, जो सोचते हैं अपने बच्चे के सपनों के बारे में जो सोचते हैं, ऐसे सारे सपने आपके पूरे हो, ऐसे मैं आज बाबा से यहाँ पर विनती करता हूँ। क्योंकि इस मंच पर मैं देख रहा हूँ कि मुझे किसी ने पूछा कि मुझे अगर साई भक्त होना है तो क्या करना होगा, तो मैंने कहा कि सिर्फ साई भक्त होना है या फिर पागल साई भक्त होना है, तो उसने बताया कि मुझे पागल साई भक्त होना है, पागल होना है। तो मैंने कहा कि फिर एक बार बाबा का दर्शन कर लेना शिरडी आकर, और उसके बाद कुछ दिन गुड़गांव के लोगों के साथ रह लेना, तो आप बिल्कुल पागल हो जाओगे, क्योंकि पागल लोग ही इतिहास बनाते हैं और वो इतिहास होशियार लोग पढ़ते हैं। साई सहारा के मित्र मंडल के जो भी सारे हमारे भाई हैं उनसे मैं बिल्कुल प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि आज मेरे साथ सचिन जी तांबे जो हैं ये ट्रस्टियों में से सबसे पागल ट्रस्टी है, क्योंकि दिन रात काम कर रहे हैं बाबा के लिए। क्योंकि आज तक साई संस्थान के इतिहास में 24/7 मतलब दिन रात काम करने वाला कोई ट्रस्टी आज तक नहीं मिला था,
और वो ट्रस्टी आज सचिन जी के रूप में साई संस्थान को और हम सभी लोगों को मिले हैं। तो मैं आप सभी लोगों से, मैं फिर एक बार सचिन जी से उनकी मेहनत के लिए उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं फिर एक बार आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आज इस मंच पर बुलाकर हमारा बिल्कुल एक परिवार के जैसा हमारे साथ सम्मान किया। इसलिए मैं फिर एक बार बाबा के आशीर्वाद के साथ साथ आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, उन माता पिता को प्रणाम। साई की सेवा करके रोशन किया है महाराष्ट्र में शिरडी का नाम। क्या बात है, आइए साई सहारा मित्र मंडल, देखो ये हृदय के भाव हैं, आइए सम्मानित कर रहे हैं। सम्मानित क्या, हम तो आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं कि हम भूले भटको हुओं को रास्ता दिखाएं। जोरदार ताली बजा दें। श्री साई सहारा मित्र मंडल की ओर से बाबा का स्मृति चिन्ह, ये प्रतिरूप कि आप हमें सदा याद रखें और हमें ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहें। बोलिए साईनाथ महाराज की।